राजस्थान की सबसे सुंदर धरोहरों में से एक जगमंदिर महल। जो कि पिछोला झील के बीचों बीच अपनी हसीन छवि को लिए छुपा है। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मानव टंडन व्लॉग्स में। आज की कहानी बड़ी रोमांचक होने वाली है और सफर बड़ा सुहाना, क्योंकि हम जा रहे हैं जग मंदिर पैलेस, जो कि उदयपुर की सबसे खूबसूरत जगह है। वहां जाने से पहले आपको इस मेहमान से मिला देता हूं जो आज हमारी कहानी के मुख्य किरदार भी है। ये है मेरा भाई अमरदीप सिंह तांडे फ्रॉम गांधीधाम गुजरात। वैसे तो GLS यूनिवर्सिटी में हम दोनों भाई साथ में ही पढ़ते थे और आज के सफर में भी हम साथ में ही एक्सप्लोर करेंगे, तो समय को मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अभी अमरदीप को लेकर आया हूँ जग मंदिर के। आज हमने अभी एंट्री टिकट लिया है और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये एंट्री गेट है शीतला माता वाला, हमने यहाँ पर 60 रुपीज पे किए। अगर मैं मेरी बात करूं तो समर्स में घूमने में ना लिटरली बहुत मजा आता है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम होती है और हमारी यात्रा पूर्णतः सफल जाती है। अभी हम शीतला माता गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, गर्मी का टाइम है ना, इसलिए बहुत कम पब्लिक आई है। फॉरेनर्स थोड़े बहुत दिख रहे होंगे आपको मेरे पीछे। बस अगर आप सिटी पैलेस से टिकट लेते हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट सिटी पैलेस अंदर होके आओगे, जो पैलेस के इधर से रास्ता जाता है, इधर साइड से, यहाँ से जहाँ से ये लोग आ रहे थे वहाँ से। लेकिन आप अगर यहाँ से इस साइड पर आओगे ना शीतला माता गेट के, यहाँ तो अच्छेगा, एक तो व्यू मिल जाएगा, प्लस पॉइंट ये, प्लस टिकट आप जल्दी ले सकते हो यहाँ से, और यहीं से ही बोट जाती है, इधर साइड से ही बोट जाती है। अगर यहाँ के टिकट की बात की जाए तो उसके चार्जेस है 500 रुपीज पर पर्सन, वो भी 3 बजे से पहले। अगर आप लोग 3 बजे के बाद आ रहे हैं तो 800 रुपीज पर पर्सन लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। देखा जाए तो 500 रुपीज मोर देन इनफ है दिन के टाइम में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बोट आपको पिछोला झील का पूरा चक्कर लगाकर जग मंदिर आइलैंड तक पहुँचाएगी। बोट से जग मंदिर जाने का सफर आधे एक घंटे का होता है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। करीबन 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमारी बोट आई, और खुशी की बात तो यह है कि हमें बोट की सबसे आगे फ्रंट सीट मिली, वो भी किसकी वजह से, मेवाड़ के एक सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। अगर आपको पानी के छींटों के लुफ्त उठाने हैं ना, तो बोट की फ्रंट सीट पकड़ लेना। सो गाइस, अभी लाइफ जैकेट पहन लिया है और अब जाने की तैयारी करते हो। सुना है कि दामों में हसरत तोली नहीं जाती, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती ही कुदरत में देखी जाती है। अक्सर कई फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर यहाँ शूट करने आते होंगे और शायद सोचते होंगे कि यहाँ से हम ऐसी तस्वीरों को लेकर जाए जो हमें जीवन भर इस पल की याद दिलाएगी। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, इसीलिए हर क्षण हर जगह को मैंने इस कैमरे के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश की है। जैसे ही हम जग मंदिर के द्वार पर एंटर हुए, हमें दो रास्ते दिखे, एक तो जाता है जग मंदिर गार्डन की ओर और एक जाता है जग मंदिर रेस्टोरों की ओर। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बता दूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महाराजा अमर सिंह ने 1551 में इस महल का निर्माण कराया, उसके बाद महाराजा कर्ण सिंह ने 1620 में इसका काम करवाया।
और फिर 1652 में मेवाड़ के आखिरी शासक जगत सिंह ने इसका कार्य पूरा करवाया। तब से इस जगह का नाम जग मंदिर पड़ा। गार्डन का जो एरिया है बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। ग्रीनरी इतनी है कि आपको भरी गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ इतने हैं जिसकी छाया के नीचे आप विश्राम कर सकते हैं। और जिस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, वहाँ पर प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग भी हुई है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ शूटिंग स्पॉट भी है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। कल यहाँ पर शादी थी। जैसे मेरा घर अम्मा माता साइड में ही पड़ता है, तो मुझे ये जग मंदिर वहाँ से दूर से दिखाई देता है। राजा महाराजाओं के ज़माने भी कितने अनोखे होते होंगे ना। यहाँ की आर्करी धरोहर देख के ऐसा लगता ही नहीं कि 16 सेंचुरी के लाइफस्टाइल में भी ऐसी चीज़ें मौजूद होगी। ये बोट जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर मंडप सजा करता था शादियों के वक्त। वैसे तो ये वाली बोट ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक डेमो है। आपने देखा होगा शुरुआत में जब हम जग मंदिर की ओर आते हैं ना बोट से, तब बीचों बीच पानी की एक बड़ी सी बोट बनी हुई है। वो ही ओरिजिनल बोट है जिसमें मंडप सजा करता था, और वो ही रॉयल बोट कही जाती है। और ये है महारानी साहिबा जी की पालकी, जिसके अंदर महारानी जी को लाया जाता था। और ये जो पूरा एक एरिया है, ये एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ पे आपको जग मंदिर की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, उसके आर्किटेक्ट के बारे में और बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। ये जग मंदिर का फ्लोर प्लान है 1924 का। तो इन लोगों ने अब तक अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कोई म्यूजियम टाइप है, उसका एक खाली फोटो है, देख सकते हो। मतलब तो ये कहना चाहता है कि ये महल इतना ही है, बहुत है, लेकिन अपने को जो दिखाया जाता है हम पब्लिक्स के लिए आते ही है। कुछ होगी यार सिक्योरिटीज, ये इनसाइड है, गोल महल है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये जहाँ से अपन एंटर हुए थे ना, यहाँ से एंटर हुए थे अपन। ये पूरा गार्डन वाला एरिया है, बीच में आपने होटल देखी होगी गाइस, और ये यहाँ पर वो बीच में फाउंटेन है जहाँ पर अभी पानी खत्म हो गया, आपको मैंने बाहर से अभी दिखाया था। और यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था, मतलब यहाँ पर पेड़ थे, पेड़ और यह रेस्टोरेंट, और पीछे भी पूरा मतलब गार्डन ही है एक तरह से देखा जाए तो। और ये स्टाफ्स के लिए है, जब शादियाँ होती है तो ऐसा लगता है कुछ है, ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये मगरमच्छ है ना, ये उधर एग्जिट में, जब अपन एग्जिट होंगे ना, तब ये मगरमच्छ नजर आएंगे। Even when I ran
बहुत ज्यादा थक हारने के बाद हम आ गए थे जग मंदिर रेस्ट्रो की ओर, और यहाँ पर जो बैठकर शांति और सुकून की अनुभूति हमें हुई ना, उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ यार, मतलब मजा आ गया। तो आप भी मजे लीजिए व्यू के। अरे अमरदीप सुन, एक काम कर यार, कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हो तो देखना यार, लेके आ जाना। A few minutes later. क्या हो, हंस क्यों रहा है, कितने की है? क्या रे भीख मंग गया। म्यूजिक क्या ही बताएं गाइस आपको, ये पसीना ना, आज धूप इतनी खतरनाक पड़ रही है कि पूरा पसीना पसीना हो गया। बस इस सफर की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। रास्ता मान बासा मान, छाया माया जाले की बदल गया इंसान, ये लालची ये स्वार्थी कटे सी बाबी लान नाया।